हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6। इसकी स्टार्टिंग होगी इस वीडियो से, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें इंट्रोडक्शनरी पार्ट, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। तो लाइंस, जैसा कि हमें पता है, लाइंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइक दिस। तो ये इधर की तरफ जितना चाहें एक्सटेंड की जा सकती है और इधर की तरफ जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, लाइन सेगमेंट वो चीज़ होती है, वो लाइन जिसके अंदर दो एंड पॉइंट हो, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इसको मिला देने से लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो लाइन ये है जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और लाइन सेगमेंट वो चीज़ होती है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। और अगर एंगल की बात करूं तो दो लाइन की वजह से, या फिर एक ये रे है और एक ये रे है, दो रे जो एक ही जंक्शन से या एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं, या फिर एक लाइन और दूसरी लाइन जब किसी एक पॉइंट में मिलती है तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, जैसे यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल इस तरीके से फॉर्म्ड होता है। और इसके अंदर हमें कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जानना है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जानना है। कोलिनियर पॉइंट्स की अगर बात करें तो कोलिनियर, ये जो को है इसका मतलब होता है सेम, और लीनियर का मतलब होता है लाइन। जो सेम लाइन पर होते हैं, जो एक ही लाइन यानी एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर है, तो ये कोलिनियर कहलाएंगी। या फिर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आए अगर, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये सब के सब एक ही लाइन पर अगर लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे एक लाइन मैंने बनाई और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, बल्कि इनको कहा जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ एंगल भी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है, तो जिसके अंदर मैं अगर कहूँ, जैसा कि पता होगा पहले से, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वही एंगल होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। जैसे इस तरह के एंगल जो भी 0 से 90 के बीच में लाई करेंगे वो सब के सब एक्यूट होंगे। और इसका जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं मगर 180 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे इनके बीच में जितने भी एंगल, 115 की बात कर लूँ डिग्री की, 135 डिग्री की बात करूँ या 150 डिग्री की बात करूँ, ये सारे के सारे एंगल जो हैं इस तरह के, जो 90 से 180 के बीच में आएंगे, वो सब के सब ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर लाई करेंगे। इसके अलावा राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री पे हो, यानी ये और ये दोनों एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री पे अगर होंगे तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइन की वजह से, ये राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी राइट एंगल को इस तरीके से ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं तो इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी जरूरी है जानना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। जो आगे वाले आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना। और इसके अलावा स्ट्रेट एंगल की बात करूँ, स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल को हम लीनियर पेयर से भी जानते हैं। लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल, जैसे जो एंगल 180 डिग्री पर होते हैं, या ये समझ लीजिए जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है उस पर हर एक एंगल, यानी ये पॉइंट इस तरीके से, ये पॉइंट ले लूँ तो हर एक पॉइंट जो 180 डिग्री को शो करेगा, जो कि स्ट्रेट एंगल कहलाया जाएगा, ठीक है। और अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 45 डिग्री है और इसका रिफ्लेक्स हमें पता करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाल सकते हैं, 360 जो कंप्लीट एंगल होता है, यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल मान लीजिए, इस पूरे कंप्लीट एंगल जो कि 360 का होता है उसमें से जिसका हमें निकालना है, मान लीजिए हमें 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एंगल में से यानी 360 में से 45 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है 360 का
ये 45 डिग्री का ये 315 रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्री एंगल ज़रूरी है जानना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम, यानी एक एंगल ये हो गया मान लीजिए 45, एक ही एंगल ये हो गया 45, तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गए, जब दो एंगल का सम दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और मान लीजिए अगर मुझे 25 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री में से 25 को माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा, जो भी होगा, जैसे 65 है इसका, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आता है इसी का भाई है, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम, मान लो एक एंगल वन है एक एंगल टू है, जब दो एंगल मिलकर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना ले, जैसे मान लीजिए ये है स्ट्रेट लाइन और इस पे इस तरीके से एक ये एंगल आ गया और एक एंगल ये आ गया, तो इन दोनों को मिलाने से अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है, है ना। और सप्लीमेंट्री भी क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री का एक और भाई होता है जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी बहुत होगा चैप्टर के अंदर लीनियर पेयर का। तो लीनियर पेयर ऐसे दो एंगल के पेयर्स जिसमें दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उसको हम लीनियर पेयर भी कहेंगे, सप्लीमेंट्री भी कहेंगे। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट बताइए, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, यानी 80 डिग्री जो है 100 डिग्री का सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब उसी की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में जानना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब मान लीजिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कुछ इस तरीके से, ये दो लाइंस जो है, मान लीजिए ये लाइन L है और ये लाइन जो है इसका नाम दे देता हूँ LM, और ये दोनों मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट O पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस वजह से इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा, ठीक है। अब जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर एक जगह पर, तो हम उसको उसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, यानी एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के बराबर होगा, क्योंकि इसके जस्ट ये वर्टिकली अपोजिट में है। इसी तरीके से एंगल टू जो है एंगल फोर के बराबर होगा, इसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो कौन सी लाइन होती है, जब लाइन कुछ ऐसे नजर आती हैं, या पैरेलल लाइन की खासियत ये होती है कि वो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जान लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट एंगल हैं जिसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल में जैसे अगर मैं कहूँ दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक लाइन L है एक लाइन M है, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स में ये चीज़ें सारी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज को कर पाएंगे या कर पाएंगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन L है, ये लाइन M है, और इसको कोई तीसरी लाइन यानी थर्ड लाइन, मान लीजिए ये लाइन P है, और ये इंटरसेक्ट करती हुई जाती है एक इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ N और इस पॉइंट का मान लेता हूँ Q, ठीक है। तो ये जो लाइन P है वो लाइन L को N पर इंटरसेक्ट करती है और M लाइन को Q पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, मान लीजिए एक एंगल ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितने एंगल होगा यहाँ पे,
टोटल नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पर 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 एंगल्स आर देयर। तो अब यहाँ पे जो पहली चीज आती है वो आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की बात। करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसके अंदर जो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उस पर कोई तीसरी लाइन उनको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चले जाए, तो इसी पी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन हमें पता चल गई कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसके अंदर देखा जाएगा, ये जो एंगल 2 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एंगल 3 है वो एंगल 8 के बराबर होगा, यानी एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एंगल 1 है ये वाला, वो इस वाले एंगल यानी 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। तो ये सारे के सारे एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा तभी बनेंगे जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन यानी ट्रांसवर्सल उसको दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। और तभी ऑल्टरनेट एंगल भी बनते हैं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल वो एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब होता है जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, यानी ये भी वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं मगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट। अब इसके अंदर कहां पर होंगे वो, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल 3 के जस्ट ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है यानी ये, इसके जस्ट ऑपोजिट में ये एंगल है यानी 6, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ये पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद अगर एंगल 4 की बात करूं, इसका ऑल्टरनेट पेयर क्या होगा, इसके ऑपोजिट में इंटीरियर में जो एंगल दिख रहा है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद जो इसकी बात आती है वो होते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, फिर आगे जाके अगर अभी नहीं जानेंगे तो आगे जाके फिर जानना पड़ेगा। और इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं हर एक चीज बताऊंगा। अगर आप पहली बार भी पढ़े होंगे तब भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप समझ पाओगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक चीज़ जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसको समझा पाऊँ, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स इस्तेमाल होंगे उसको मैं समझा पाऊँ। तो अब पहली बात यह आती है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अंदर जब भी लाइन दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग जगह पर, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सल, यानी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, हमेशा याद रखना है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये हमेशा 180 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल, एक एंगल 3 होगा और एक एंगल होगा 5, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों पेयर्स ऑफ एंगल्स को एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चीज आएंगी, मुझे लगता है जो भी मुझे लगेगा, तो मैं उसको बहुत आसानी से उसी वक्त उसी सवाल से रिलेटेड समझाने की कोशिश करूंगा, और इसकी हर एक एग्जाम्पल को समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, चाहे वो इजी हो या ना हो, मैं हर एक क्वेश्चन को करूंगा, यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर करूंगा एग्जाम्पल और सवालों को लेकर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, और पूरी कोशिश रहेगी मेरी समझाने की। तो अब मैं अगली वीडियो जो मेरी आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स और सवालों पर होंगी, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे हैंड टू हैंड तभी बताए जाएंगे।